अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रीट फूड सेक्शन। मैं वलीद इस्लाम आप लोगों की खिदमत में एक और नई स्ट्रीट फूड वीडियो के साथ हाजिर हूं। और आज की स्ट्रीट फूड वीडियो बहुत ही ख़ास और यूनिक होने वाली है। और इस स्ट्रीट फूड की तलाश में मैं आया हूं कोरंगी नंबर 5 J1 एरिया में। यहाँ पर एक हैश फूड नामी रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ही टॉप ट्रेंडिंग में है। इनका बहुत ही मशहूर शपाटर जिंगर बर्गर, डबल पैटी जिंगर बर्गर है ये, और बहुत ही यूनिक वे में ये बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा मुझे फेसबुक वगैरह पे देखने के बाद, तो मैंने सोचा चले चल के ट्राई करते हैं और अपने व्यूवर्स के साथ इनका जो भी जिंगर का हमारा एक्सपीरियंस होगा वो शेयर करेंगे फिर हम आप लोगों के साथ। उम्मीद है कि आपको हमारी अब तक की तमाम स्ट्रीट फूड वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें नई आने वाली वीडियोस के लिए। तो चलिए फिर इनका हैश फूड का शपाटर जिंगर बर्गर डबल पैटी ट्राई करते हैं और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप अरे वली भाई ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। बिलाल भाई, ये इतना आपका मशहूर हो गया शपाटर जिंगर बर्गर, इसके पीछे क्या राज है? यार बेसिकली सीन ऐसा है कि जब हम ये बर्गर लॉन्च कर रहे थे, ये फास्ट फूड खोल रहे थे, तो हम जिंगर को मतलब बेनाम नहीं चलाना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि जिंगर का कोई नाम हो, और मैं बेसिकली खुद शपाटर मैन हूँ, तो मैंने इस जिंगर का जो नाम दिया है वो अपनी नस्बत से दिया है, शपाटर जिंगर। और ये शपाटर वर्ड के पीछे क्या राज है, क्या है मतलब इसका? यार शपाटर बेसिकली, शपाटर को आप ये कह लें कि तेज़ फास्ट, और मतलब खाएं तो मतलब चुस्ती आ जाए। और हमारा एक स्लोगन है, आपका पैसा हमारा बर्गर, मज़ा ना आए वापस घर घर। तो ये एक स्लोगन है हमारा, इस चीज़ को हम लेके चल रहे हैं। और लोकेशन बताएंगे हमारे व्यूवर्स को, किस लोकेशन पे एग्जैक्ट अगर वो आना चाहें तो कैसे आएंगे? ये बेसिकली हमारी हैश फूड की दो ब्रांचेज हैं। सबसे पहली जो ब्रांच है लांडी नंबर 5 36वीं एरिया में है, नज शाहीन स्कूल रहमानिया मस्जिद। और उसके बाद जो हमने दूसरी ब्रांच इसकी खोली है हैश फूड स्क्वायर के नाम से, वो कोरंगी J1 इमाम बर्गर के बिल्कुल करीब है, मेन रोड पर ही है, जिसमें आप इस वक्त हाजिर हैं। और प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग इस वक्त लांडी कोरंगी में जो फास्ट फूड है उससे बहुत ज़्यादा लोएस्ट है। 200 रुपये में डबल पेटी जिंगर, मतलब आपको कोई दे ही नहीं सकता वो मयार, वो जायके के साथ जो हम आपको इंशाल्लाह ये जिंगर दे रहे हैं, लोग वाकई टेस्ट को खाते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। फिर हम भी बैठे बैठ के ट्राई करें आपका जिंगर। सर वलीद भाई, आपकी अपनी दुकान है, बैठे खाएं लेके जाए। सो वेलकम बैक टू द रिव्यू सेक्शन। मैंने आपको बनने का पूरा प्रोसीजर भी दिखाया शपाटर जिंगर बर्गर का, और इनके जो ऑनर हैं बिलावल भाई, बहुत ही फ़नी और जॉली हैं, उनसे बात भी करवाई और उनका जो अपना एक एक्सपीरियंस था वो भी मैंने शेयर करवाया। और अब टाइम है रिव्यू का, शपाटर जिंगर बर्गर जो कि बहुत ही फेमस और ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या ये सिर्फ नाम का ही है या टेस्ट में भी अच्छा है? प्राइसिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि डबल पैटी जिंगर विद चीज़ 200 रुपीज़ में, वो भी आजकल के दौर में, आउट क्लास यार। चलें आप ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के, अल्लाह का नाम लेके, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो मैं फ़र्स्ट बाइट ले रहा हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं खाऊं कैसे। खैर बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ी क्रिस्पी इसकी जिंगर पैटी है इनकी, और सबसे जो मुझे लग रहा है ना, इनके एक मेन सेलिंग पॉइंट है वो प्राइसिंग, और उसके बाद इनकी एक स्पेशल मायनीज जो वाइट कलर की नहीं थी, हल्की पिंकिश पिंकिश कलर की थी, वो इनका खुद अपना बनाया हुआ मुझे लग रहा है सॉस है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। बिस्मिल्लाह करते हैं, एक और बाइट देते हैं। चीज़ अभी तक आई नहीं है मुँह में, चीज़ के साथ मुँह में जाए तो कुछ मज़ा ही आए। मैं इस वक्त मेन रोड पर बैठा हुआ हूँ होटल पर, थोड़ा शोर शराबा भी हो रहा होगा, साउंड सिस्टम भी बज रहा होगा पीछे से, लेकिन खैर ये आप सबको बेयर करना पड़ेगा स्ट्रीट फूड के लिए, स्ट्रीट फूड का असल मज़ा ही यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार जिंगर है ये, यकीन माने, क्रिस्पी आउटसाइड से और इनसाइड से जूसी और टेंडर्ड। प्राइसिंग के लिहाज से ये वर्थ है, और जो मेन इनका है मैंने आपको बताया सेलिंग पॉइंट है वो इनकी ये मायनीज़ है। ये देख रहे हैं आप, पिंक कलर की आपको दिख रही होगी, ये मायनीज़ इनकी मेन
सेलिंग पॉइंट है क्योंकि ये इनकी खुद बनाई हुई है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। बन भी इनका काफ़ी सॉफ्ट है और प्राइसिंग भी अच्छी है। लोकेशन भी इन्हें आपको बता दिए, फ्रेश वेजिटेबल है ये आप देख रहे होंगे, फ्रेश चीज़ भी फ्रेश है। जिंगर इन्होंने मेरे सामने फ्रेश बनाया। बिस्मिल्लाह करें, एक और बाइट लें, अच्छे से लगे, मैं डिमांड कर सकूँ आप लोगों को। देखने में भी अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा लग रहा है और प्राइसिंग में भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, इनकी सॉस मैं ट्राई करके आपको बताऊं, सॉस का क्या इनका मैजिक है। फ्राइज लेते हैं और ये इनकी सॉस है, ये ट्राई करते हैं सॉस के साथ। ये कोई अलग ही सॉस है, सिर्फ मायनीज़ नहीं है इसमें, इन्होंने अपनी भी कोई रेसिपी मिलाई हुई है जिसकी वजह से इसका बिल्कुल यूनिक और अलग टेस्ट है। पर जिंगर तो आप लोग खाते रहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा शपाटनर जिंगर बर्गर ज़रूर ट्राई करें। जब भी आप लांडी कोरंगी 5 नंबर यहाँ पे अगर आपका आना हो तो हैश फूड के नाम से इनकी ब्रांच है और काफ़ी फेमस हो गई है। गूगल पे भी अगर आप सर्च करेंगे मैप में तो भी आ जाएगा, और मैं भी कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में गूगल की लोकेशन का लिंक डाल दूँ। अगर आप लोगों को आज की वीडियो ये पसंद आई और अगर आप चाहते हैं ऐसी मज़ीद स्ट्रीट फूड वीडियोस के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। सो फेसबुक पे भी हमें लाइक कर लें, स्ट्रीट फूड सेक्शन के नाम से हमारा पेज है। इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लें, स्ट्रीट फूड सेक्शन के नाम से ही हमारा पेज है। मैं इन्जॉय करता हूँ अपना शपाटनर जिंगर बर्गर और आप लोग इन्जॉय करें वीडियो अगली आने वाली का, जब तक इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।